यूपी में कानून व्यवस्था और सत्ता में बैठे लोगों के बर्ताव को बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाया था, लेकिन अब बीजेपी के ही एक विधायक पर पुलिस अधिकारी को धमकाने का आरोप लगा है। एक पुलिस अधिकारी ने ऑडियो जारी करके विधायक पर यह आरोप लगाया है, लेकिन विधायक ने आरोपों से इनकार किया है। वो कोई हरिजन लड़का था, उसको कुछ यादव लोगों ने मारा पीटा और उसने 100 नंबर पर फोन करा होगा, तो 100 नंबर वाले इसको ही पकड़ लेगा जिसको मारा गया। 100 नंबर असल में हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो लखनऊ से कंट्रोल होती है, तो जो भी लड़ाई झगड़ा होता है वो सीधे उठा ले जाती है, फिर थाने में जाके उनका जो भी कार्रवाई होनी होती है वो होती है। तो आपका क्या क्या उद्देश्य, क्यों यहाँ बैठे हैं? फिर मानसिकता बदलिए मिस्टर साहब, आप मानसिकता पूरी बदली हुई है। आपको ये पता नहीं भाजपा की सरकार हो चुकी है, दिमाग सही करिए। जो विवेचना अधिकारी होगा वो देखेगा सारी चीजें, क्या सही है क्या गलत है। चलो ठीक, मैं देखता हूँ, मैं तुम्हारे खिलाफ भी मुकदमे लिखाता हूँ। ठीक है, जो आपको करना होगा वो कर लीजिएगा। मोबाइल पर हुई इस बातचीत के बाद यूपी के हरदोई के सवाईपुर से नए बीजेपी विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू का नाम विवाद से जुड़ गया है। हरदोई के शाहबाद के अरविंद कुमार वर्मा नाम के सीओ ने ऑडियो जारी करते हुए धमकाने के आरोप लगाए हैं। पूरा मामला खमरिया गांव के एक दलित की पत्नी और मां से बदसलूकी और मारपीट का है, और विधायक के मुताबिक ये काम समाजवादी पार्टी के गुंडों ने किया है। ऑडियो के बाद अब विधायक और पुलिस अपनी अपनी सफाई दे रहे हैं। जब मैंने थाना अध्यक्ष से बात करनी चाहिए लेकिन उनका फोन नहीं मिला, तो मैंने सीओ साहब से बात की, उन्होंने उस बात को डिनाई कर दिया, 100 नंबर मेरे नियंत्रण में नहीं है, आप लखनऊ से बात करिए। जबकि पूरी तरीके 100 नंबर उनके अंडर में काम करता और वो उसके इमीडिएट अधिकारी हैं, लेकिन चूंकि वो समाजवादी पार्टी से प्रेरित रहे और जिन गुंडों ने मारा वो समाजवादी पार्टी के गुंडे थे, उन्होंने दलित के घर में घुस के मारपीट की और सीओ साहब उनको बचाना चाहते थे। शिकायतें जब मैंने ऊपर कहने की बात की तब इन्होंने ऑडियो मेरा वायरल किया। प्रकरण संज्ञान में आया है और जो मैटर मामल जो गांव का जिसको लेकर के झगड़ा हुआ, तो संबंध में तो कार्रवाई अलग से की जा रही है। इस संबंध में हमने जो एडिशन पे उनको जांच के लिए निर्देशित किया है, इसमें जांच कर लें इसमें क्या मैटर है, और ये भी इंश्योर करें, ये भी बताएं कि जो डायल 100 का मैटर है केवल उसका ऑपरेशन कंट्रोल डायल 100 के पास है, बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो पुलिस पर्सनल है उनका डिसिप्लिनरी कार्रवाई वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के अधीन है, और उसके संबंध में अगर कोई बदमाशी करता है कोई गलती करता है तो उसमें कार्रवाई की जाए। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या समाजवादी पार्टी की तर्ज पर बीजेपी विधायक भी दबंगई का सहारा लेने लगे हैं?